हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है एक क्यूब क्यूब की ट्यूटोरियल की। तो चलो इसे पहले स्क्रैम्बल करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या स्टेप्स हैं, क्या मूव्स हैं जिससे हम इसे सॉल्व कर लें। तो चलो मैं इसको स्क्रैम्बल करता हूँ। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये बस डायगनली मूव करते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, ना कि वर्टिकली मूव करता है। चलो मैं इसे स्क्रैम्बल करता हूँ। तो ये मैंने अभी स्क्रैम्बल कर दिया है जल्दी से। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमें फॉर बिगनर्स मेथड में हमें सबसे पहले वाइट से स्टार्ट करना है। और हाँ, इसमें कोई भी एज पीसेस नहीं है, इसमें सिर्फ कॉर्नर पीसेस और सेंटर पीसेस है। ये जो सबसे मोटे वाले पीसेस होते हैं वो सेंटर पीसेस होते हैं। और चलो अब हमें इसे कॉर्नर्स लगाने हैं। अब कॉर्नर्स कैसे लगाते हैं, देखो जैसे ये कॉर्नर साइड में है एकदम नीचे, तो ये हम अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे तब तो ये वाली साइड आ जाएगी ऑरेंज वाली, ये वाइट वाली तो आएगी नहीं। तो हम इसकी जगह इसको इधर मूव करेंगे, सेट हो गई। और हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कॉर्नर फिक्स करें उनके सेट बने। जैसे एक बार करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, जैसे यहाँ पे ब्लू और ब्लू का सेट बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पे रेड और रेड का और यहाँ पे ऑरेंज मतलब यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज, यहाँ पे रेड और रेड, और यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब देखोगे ये जो है येलो ग्रीन और ऑरेंज का पीस, अगर हम उसे ऐसे घुमाएंगे तो हमारा सेट खराब हो रहा है और फिर ये ऐसे मैच भी नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमें इसको इधर करना है, हमें उसे इधर लगाना है, राइट। तो अब हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। हम ये तीन कॉर्नर सेंटर्स पकड़ के इसे रोटेट करेंगे। अब इस साइड आ गया इसको ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू। चलो अब यहाँ पे एक पीस रहता है, कहाँ पे, ये रहा। अब देखो अभी नीचे की साइड है, अब हम ऊपर करेंगे तो लगेगा नहीं, तो हमें वही या तो इस कॉर्नर में, तो इस कॉर्नर में उसे लाने, तो उसे रोटेट करते हैं। ये देखो इस कॉर्नर में आ गया। अब उसे उधर करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ये इधर ही आना चाहिए। तो हम इसकी ओरिएंटेशन ठीक चेंज करेंगे। अब आप देखोगे कि अगर हम इसे ये घुमाएंगे तो ये तो हमारा बिगड़ रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये चेंज हो, हम इसे दोबारा नॉर्मल कर लेंगे। देखो इसको ऐसे घुमाया, ये इस साइड आ गया घुमा के। अब उसको जो पीस हमने उधर भेजा था, रेड रेड ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू, हमारी फर्स्ट लेयर वाइट लेयर कंप्लीट है। अब इसको आगे का सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। या तो हम उस पहले ये वाले सेंटर्स फिक्स करें, और दूसरा है कि हम और दूसरा मेथड है कि हम पहले जो वाइट के पीछे का सेंटर है उसको फिक्स करें। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे ऑरेंज है, और हाँ इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे वाइट का ऑपोजिट मतलब मैचिंग कलर येलो होता है, ग्रीन का ब्लू और रेड का ऑरेंज, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर हमने वाइट बनाया तो पीछे येलो ही होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, मैं भी आपको वाला मेथड बता रहा हूँ जिसमें हम पहले साइज के सेंटर पीसेस फिक्स करते हैं। तो चलो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बस एक ही एल्गोरिथम है, हम उसे बार बार करते हैं जिससे हमारे सारे सेंटर्स और कॉर्नर पीसेस फिक्स हो जाते हैं। अब देखो वो मैं आपको बताता हूँ। ये है ऑरेंज, अब ऑरेंज तो ऑरेंज के कॉर्नर पीसेस के साथ ही मैच हो, तो यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें इन तीन सेंटर्स को पकड़ के नीचे की तरफ घुमाना है, राइट डाउन और फिर लेफ्ट डाउन। ओके, और फिर राइट अप और फिर लेफ्ट अप। अब देखो इधर ऑरेंज येलो आ गया। अब कई बार बहुत से लोगों को यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है कि जैसे हम एक सेंटर बनाते हैं तो कई बार दूसरा सेंटर बिगड़ जाता है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो एट द एंड वो सब ठीक हो जाएगा। अब ये येलो है, अब ये तो किधर फिक्स की कभी कहीं भी फिक्स नहीं होगा, तो हम किसी खाली साइड को लेके जहाँ पे इसके फिक्स नहीं है वहाँ पे ये वाला एल्गोरिथम दोबारा रिपीट करेंगे।
दोबारा बता देता हूँ, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। अब यहाँ पे ब्लू आ गया, ब्लू के पास जाएंगे, ब्लू ऑनर पीसेस के पास, यहाँ पे दोबारा एल्गोरिथम करेंगे इन तीन सेंटर्स को पकड़ के, ये देखो, ठीक है, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, रेड आया, इसको बार बार कर देंगे, लास्ट में सारा सब कुछ फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे रेड है, रेड डाउन, ओ सॉरी, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, ऑरेंज आया, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। अब देखो सारे फिक्स हो गए। अब हमारे पास एक सिचुएशन, हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं लास्ट येलो को सॉल्व करने के लिए। एक जो अभी मेरे पास आई हुई है, ऐसे डायगनली में एकदम फिक्स होते हैं कि कॉर्नर्स भी, यहाँ पे भी फिक्स है लेकिन ओरिएंटेशन गलत है, ये देखो। तो इस हम वो एल्गोरिथम दोबारा करेंगे जिससे वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हमें ऐसे करना है, करता हूँ मैं, दो बार करना है वो एल्गोरिथम एक साथ, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप। अब देखो ये बस येलो है, येलो सेंटर पीस है, हमारे नीचे का कुछ नहीं बिगड़ा है। यहाँ पे दो कॉर्नर पीसेज हैं येलो के, यहाँ पे एक कॉर्नर पीस है येलो का और यहाँ पे एक कॉर्नर पीस है येलो का। अब हम यही एल्गोरिथम राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप दो बार करेंगे और हमारी इसकी होल्डिंग पोजीशन होगी ये, जहाँ पे एक साथ दो येलो कॉर्नर पीसेज उनको हम लेफ्ट में रखेंगे और जिनमें एक ही कॉर्नर पीस है येलो का उसे बैक में, और वो और जो एक बचा उसे फ्रंट में रख के करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनमें दो हैं वो लेफ्ट में, जिनमें एक एक बैक में और एक फ्रंट में। देखो मेरे पास अभी लेफ्ट में, चलो एल्गोरिथम दोबारा करते हैं, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, इट्स सॉल्व नाउ। आई होप, ये देखो पहले देख लो, आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।